लोकसभा की प्रचंड लड़ाई के लिए बिसात बिछने लगी है। किस सीट पर किस तरह विरोधी को मात देनी है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और तैयार हो रहा है सबसे बड़े सियासी सूबे को फतेह करने का चक्रव्यूह। खबर है कि भाजपा कई राज्यों में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है। इस खबर को लेकर यूपी में तापमान इस वजह से चढ़ा है क्योंकि बदलाव वाली संभावित सूची में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूपी का प्रभारी बदल सकती है। अभी यूपी में राधा मोहन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद नवंबर 2020 में राधा मोहन सिंह यूपी के प्रभारी बने थे। इससे पहले राधा मोहन सिंह 2010 से 2012 के बीच यूपी के सह प्रभारी थे। अब उनकी जगह कुछ दूसरे नामों पर मंथन चल रहा है। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है और अगर भाजपा को सबसे ज्यादा कहीं से उम्मीद है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। यूपी का प्रभारी कौन बनेगा ये तो तय नहीं, लेकिन कुछ नाम हैं जो चर्चा में हैं। इनमें सबसे ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और भूपेंद्र यादव के नाम की चर्चा है। धर्मेंद्र प्रधान को 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने संगठन के कामों को बेहतर करते हुए ठीक प्रदर्शन किया था। भूपेंद्र यादव पहले भी भाजपा के कई कार्यक्रमों के प्रभारी रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को संगठन में बड़ा अनुभव है और केंद्रीय नेतृत्व से अच्छी खासी नजदीकी भी है। अगर बात सीआर पाटिल की करें तो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। सीआर पाटिल के बूथ मैनेजमेंट की तारीफ पीएम मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में भी की थी। यानी भाजपा किसी भी नाम पर मुहर लगा सकती है और लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी रणनीति अपना सकती है।